ये बड़ी अच्छी बुक है और ये बड़े अच्छे बंदे ने लिखी है। वो डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर लेवल का बंदा है, उसका नाम है जॉन डकेट। अच्छा, ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, 2009 में लिखी गई थी ये बुक। लेकिन ये बुक जो है, अभी तक जो भी बुक हमने देखी है, ये सबसे जामे बुक है। सही है, ये सबसे बेहतरीन बुक है। ये इससे ज़्यादा बेहतर बुक अभी तक कोई HTML की और नज़र से नहीं गुजरी मैंने, वरना फिर हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, इसका हम ये कंटेंट ज़रा देख लेते हैं। ये बुक आप सब लोगों को शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप पे। वैसे तो मैंने कर दी थी, लेकिन अगर किसी को नहीं मिली है तो वो दोबारा शेयर हो जाएगी। अच्छा, इसके हम क्या पढ़ेंगे ज़रा ये समझ लें। हम शुरू के इसके 8 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें HTML कवर हो जाएगा हमारा। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 से लेके 9 को हम स्किप करेंगे, और चैप्टर नंबर 10 से लेके हम चैप्टर नंबर इसका 17-18 तक हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें हमारा CSS कवर हो जाएगा। अच्छा, अब तो आ जाते हैं सबसे पहले HTML। जो पहला टॉपिक है हमारा, वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप लोग कि व्हाट इज़ HTML? कोई अपने ज़रा ओपिनियन दे। ये मैं असल में इसलिए पूछता हूँ ताकि मैं फिर आपके लेवल पे आने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि आपका क्या लेवल है, फिर उस पर आता हूँ। तो जी ज़रा बताएं, HTML क्या लगता है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो इन्होंने बताया कि HTML जो है वो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है? किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इन्होंने जिक्र किया कि HTML होता है। और आप में से भी कोई बताना चाहेगा? जी दोस्त, सही। अच्छा, काफ़ी करीब करीब बताया दोनों दोस्तों ने। और आप लोगों का कोई ओपिनियन है HTML के बारे में? कभी नाम सुना है HTML का? कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर है। इसमें ये बता रहे हैं कि इस बुक के बारे में कुछ बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हाउ वेब वर्क्स। असल में HTML जो है वो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो HTML चाहिए होती है। अच्छा, HTML जैसा कि दोस्त ने बताया कि स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये स्टैंड फॉर तो मतलब आपको नहीं, लेकिन HTML आपको बताता हूँ मैं आसान लफ्ज़ों में। वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो आप गूगल पे लिखेंगे, डेफिनेशन आपको आए, बट उसका मतलब क्या है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। हम आज एक इंट्रोडक्शन लेंगे पूरा, कि यार ये असल में कहानी चल क्या रही है। शुरू से ना कहानी हम सुनेंगे आज, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। अच्छा, तो आ जाते हैं हम आगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना कुछ ये बताया है कि यार जो हर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन का पेज होगा ना पहला, वो कुछ इस तरह का होगा, और वो रेफरेंसेस जहाँ पे होंगे वो कुछ इस तरह का होगा, फिर जहाँ पे डायग्राम्स होंगे वो पेज कुछ इस तरह का होगा। तो ये थोड़ा अपना डिज़ाइन बता रहा है, डिज़ाइन डिस्कस कर रहा है कि अच्छा यार मैंने बुक ना ये इस तरह से डिज़ाइन की है ताकि आपको पेज देखते ही पता चल जाए। समरी का पेज कह रहा है कि ब्लू कलर का इस तरह का होगा, तो वो पेज देखते ही आपको पता चल जाए कि क्या उस पेज पर लिखा हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इस बुक के बारे में लिखा है कि मैनी बुक्स दैट टीच HTML एंड CSS रिजेंबल डल मैनुअल। टू मेक इट ईजियर फॉर यू टू लर्न, वी थ्रो अवे द ट्रेडिशनल टेम्पलेट यूज बाई पब्लिशर्स एंड रीडिज़ाइन दिस बुक फ्रॉम स्क्रैच। कह रहे हैं कि वो एक ख़ास एक तरीका है लोगों का, जो HTML की बुक लिखते हैं ना, एक ख़ास तरीके पे वो लिखा करते थे, लेकिन वो इनके ख्याल में, राइटर के ख्याल में, कि वो तरीका ना बहुत डल है, वो मज़ेदार नहीं है। वो कह रहे हैं कि उसको हमने बिल्कुल साइड करके ना इस बुक को फ्रॉम स्क्रैच खुद उसने कह रहा है डिज़ाइन किए, बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन किए, जैसे उनको लगता है कि यार बेस्ट जो होगा। अच्छा, इसमें HTML कवर है, CSS कवर है, और कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है हर चैप्टर के आखिर में, कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो ये बुक के बारे में ये बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी शुरू हो गई कि हाउ पीपल एक्सेस द वेब। ये वेब की जब बात हो रही है तो वेबसाइट की बात हो रही है। अच्छा, तो
जब शुरू से बिल्कुल हम समझते हैं कि ये वेबसाइट का चक्कर है क्या। वेबसाइट का चक्कर ये है कि बहुत पहले आज से जब ये कंप्यूटर वगैरह नहीं आए थे तो बिजनेसेस जो थे वो क्या करते थे, जो बिजनेसेस थे उनके पास पंफलेट्स होते थे, हैंडआउट्स होते थे या उनके विजिटिंग कार्ड होते थे, ठीक है, इस तरह का उनका एक स्टेशनरी उन्होंने बनाई भी होती थी कि जो भी कस्टमर आता था उनकी दुकान में तो वो उसको वो पर्चा देते थे। अभी भी होता है, बिल्कुल ख़त्म तो अभी भी नहीं हुआ। तो उस पर्चे पे उन्होंने क्या किया हुआ होता है कि वो सारी चीज़ें ना लिखी हुई होती हैं अपने दुकान के बारे में। अभी रिसेंटली मेट्रो स्टोर जाना हुआ था तो वो उनके पास बुक है एक पूरी उस बुक में ना उनके मोटे मोटे आइटम्स आ रहे हैं कि भाई वॉशिंग मशीन बेचते हैं हम, कैमरा बेचते हैं, उनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। वो हर महीने का शायद उनका एडिशन निकलता है तो वो बुक वो पकड़ाते हैं अपने हर कस्टमर को। तो अभी भी वो चल रहा है, बिल्कुल ख़त्म अभी भी नहीं हुआ वो। तो उनके पास ऐसा हैंड आउट हुआ करता था जो ओल्ड स्कूल है वो। अच्छा, और फिर उसी तरह का पंफलेट होता था जिससे वो मार्केटिंग भी करते थे, बिल बोर्ड से मार्केटिंग करते थे। बिल बोर्ड भी अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ बिल बोर्ड। अच्छा, दुनिया भर में वैसे बिल बोर्ड अब नहीं होता, अब वो डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं, बस वो वीडियो एड बना के ना वो देते हैं तो वो स्क्रीन पे चला देते हैं। ये बिल बोर्ड को उतारना चढ़ाना ये इससे दुनिया निकल चुकी है, ये सिर्फ हमारे यहाँ भी हो जाएगा ख़त्म अभी बहुत जल्दी। कुछ जगहों पर आपने देखा होगा डिजिटल स्क्रीन्स लग गई हैं, तारिक रोड पर एक बहुत बड़ी सी इन्होंने लगाई है, वो NI पता नहीं CU हॉस्पिटल के सामने। तो वो रात को जब जाओ ना तो ऐसा लगता है आसमान में अलग ही रोशनी, ऐसा लगता है वहाँ कुछ हो रहा है जब पुल पे चढ़ो तो दिखता, अच्छा ये तो स्क्रीन है इतनी बड़ी सी यहाँ पे। तो मार्केटिंग के लिए ना आमतौर पर ये स्टेशनरी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। अब इसका प्रॉब्लम क्या था, इसका प्रॉब्लम ये था कि आपने एक दफ़ा पम्फलेट दे दिया किसी कस्टमर को तो अब उसके अंदर जो भी बात लिखी हुई है वो फिक्स है। अगर तो अगले हफ्ते या एक महीने बाद अगर प्राइसेस उसके चेंज हो गए तो उसको पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, उसमें फिर नीचे फ़ोन वगैरह कॉमन हो गया तो फ़ोन नंबर वो लिखने लग गए, क्योंकि फ़ोन बाद में कॉमन हुआ है, पम्फलेट और ये प्रिंटिंग प्रेस तो 200 साल पहले से। तो फ़ोन नंबर लिखने लगे वो कि अच्छा यार ये तो प्राइसेस हो गई तो फ़ोन करके बंदा पूछ ले। एड्रेस लिखने लग गए, एड्रेस लिखते थे, फ़ोन नंबर लिखते थे, इस तरह की चीज़ें। फैक्स वगैरह उस ज़माने में चल गया था बड़ा, तो फैक्स नंबर लिखते थे कि भाई आप हमें इस नंबर पे ना वो करें तो हम फैक्स आपको कर देंगे ये पूरा पम्फलेट नया वाला अभी वाला, बट दैट वॉज अ हेडेक। अच्छा, तो अभी की जो मार्केटिंग है ना उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी उस ज़माने की। अच्छा, जो ज़्यादा बहुत पैसे वाले बिजनेस होते थे, जो बहुत बड़े पैमाने पे, या कोई कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता था जब, या कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट होता था। आजकल जो जैसे सनस्लिक का जो मार्केटिंग कंपेन चलती है कि अच्छा यार अप्रैल की 2 तारीख को या अप्रैल की 5 तारीख को पूरे कराची में सनस्लिक के बैनर लग जाते हैं, सम टाइम वो नेशन वाइड चलाते हैं, तो आप अचानक एक दिन निकलते हैं तो आपको हर जगह सनस्लिक ही नज़र आ रहा होता है, अचानक एक दिन उठते हैं तो सब जगह पेप्सी पेप्सी नज़र आ रहा होता है। तो एक दफ़ा इनके साथ फर्म के साथ काम करने का मौका मिला था तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि करते कैसे हैं। तो रात को 10-11 बजे ना इनकी फ़ोर्स तैयार होती है मोटरसाइकिलों पर, और वो उनके पास ना वो सारे उन्होंने ऐसे पकड़े हुए होते हैं बैनर वो वाले। अच्छा, और फिर वो बस जाते हैं अपनी अपनी लोकेशन पे जाके खड़े हो जाते हैं और बस 11-11:30 बजे लगाना शुरू करते हैं, 12-1 बजे तक वो लग के रेडी होता है। तो वो 12 बजे से उनकी टाइमिंग शुरू होती है, रात को 12 बजे लग जाता है, जब सुबह लोग निकलते हैं तो लगा लगा रहता है। तो अच्छा, तो ज़्यादा पैसे वाले जो होते थे ना उस ज़माने में वो क्या करते थे कि वो जहाज़ लेते थे किराए पे, क्या कहते हैं ये वाला किसानों के पास जो होता है, तो वो सस्ते में मिल जाता था। अब उसमें बोरे में भर के ना पम्फलेट सारे, अब वो सिटी टाउन के ऊपर से जाते थे गिराते हुए, सब जगह वो फैला देते थे उसको। तो ये मास्क उस वक्त जो कंपेन चलती थी मार्केटिंग की वो ऐसे चलती थी। आजकल तो टीवी चैनल्स है ना कि अचानक अब कोई पैंटीन का नया प्रोडक्ट आया तो हर टीवी चैनल पे आपको एक सर्टेन डे पे ऐड नज़र आना शुरू हो जाते हैं और अगले 15 दिन तक वो प्राइम टाइम में वो ऐड चलाते हैं। तो ये कंपेन इस तरह चलती है, उस ज़माने में कंपेन ऐसे चला करती थी। अच्छा, तो उस वक्त तो खैर ये टीवी वगैरह था नहीं, वो तो बहुत टीवी से बहुत पहले की बात है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये कंप्यूटर इन्होंने बना लिया। कंप्यूटर जब शुरू शुरू में आया था तो वो चलता था काली स्क्रीन पे, टर्मिनल पे, जो हमने टर्मिनल यूज़ भी किया लास्ट क्लास में, गिट जो हमने पढ़ा है। टर्मिनल के ऊपर जब चलता था कंप्यूटर तो उसके अंदर ना वैसे तो इंटरनेट बना था कम्युनिकेशन के लिए, के क्योंकि ह्यूमंस जो है वी आर स्टोरी टेलिंग एनिमल्स, हम ये दूसरे जो एनिमल्स हैं किसी में भी ये क्वालिटी नहीं है, जो दूसरे एनिमल्स से हम
डिफरेंशिएट होते हैं ना हम क्या कहते हैं, एक तो बायोलॉजिकल ग्राउंड पे हम डिफरेंट हैं वो तो एक अलग है, लेकिन जो हम इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे जो हम हमारा जो डिफरेंस है एक एक दूसरे एनिमल्स से, वो हम स्टोरी टेलर्स हैं, हम एक दूसरे को स्टोरी टेल करते हैं। अच्छा, हम एक दूसरे से ना कुछ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये और कोई एनिमल नहीं करता, ये इस तरह हमारी तरह कम्युनिकेट ना और कोई भी एनिमल नहीं करता। हम अपनी स्टोरी एक दूसरे को बताते हैं, फिर एक दूसरे की स्टोरीज को लिख के हम उसको सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन को बताते हैं हम वो। अच्छा, ये जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की है ना सारी, ये सब इसी का नतीजा है कि वो हम एक दूसरे के दुख दर्द उसको लिख लेते हैं, फिर वो कोई आता है वो कहता है यार ये तो बड़ा मसला है, इसको करते हैं सॉल्व, मसरूफियत के लिए भी कुछ चाहिए। तो ये सारी तरक्की ना इसी तरह होती है। तो वी आर स्टोरी टेलर्स। तो ह्यूमंस ने, जब कंप्यूटर साइंस से पहले की भी हम बात करें, आज से 500-600 साल पहले की भी बात करें, तो केव में ना, गार में वो ड्राइंग्स करते थे, अपनी स्टोरी को लिखते थे, एक दूसरे को बताते थे। तो वो तो जो केव वगैरह में पत्थर था वो नई मौसम किससे ख़राब हुआ तो हमें आज भी नज़र आता है वो। तो वो इट इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। तो कंप्यूटर भी जो बना था ना और जो इंटरनेट ईजाद हुआ था, तो उसका मेन पर्पस ये था कि यार लोग आपस में बात करना चाहते थे, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना चाहते थे। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन उससे पहले भी था, वायरलेस इंटरनेट से पहले ईजाद हुआ था तो वो पहले भी था। तो इंटरनेट मेनली जो बना था वो तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बना था। अच्छा, टर्मिनल के ऊपर ना वो काम बहुत अच्छे से होता था। हर कंप्यूटर की एक आईपी एड्रेस होती थी, जैसे फ़ोन नंबर होता है ना हमारा, बिल्कुल सेम इसी तरह हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जो 192.168.01 आप देखते हैं। अच्छा, तो वो मैंने, मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है और किसी मेरे एक दोस्त के पास भी लगा हुआ है जो अगली गली में रहता है। अच्छा, मुझे उसका अगर आईपी पता है तो मैं यहाँ से उसका आईपी लिखूंगा और मैसेज सेंड करूंगा। तो वो टर्मिनल में बहुत ईजिली हो जाता था और बड़े आराम से मैसेज करता था मैं उसको, उसका सामने से जवाब आता था, लिखा आता था, तो लिख लिख के सारा काम होता था कमांड से। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ना इंट्रोड्यूस हो गया कि अच्छा यार अब कंप्यूटर में ना वो टर्मिनल के बजाय अब ग्राफिक्स हुआ करेगी और माउस से कंट्रोल हुआ करेगा कंप्यूटर। माउस में पॉइंटिंग डिवाइस, इसको कहते हैं माउस को, कि पॉइंटिंग डिवाइस होगी, उससे आप पॉइंट करके आप बटन को उसी तरह दबाएंगे जिस तरह आप रियल लाइफ में बटन को प्रेस करते हैं, ऐसे बटन को दबाएंगे आप तो वो काम होगा उसके अंदर। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। अच्छा, इसी दौरान में अब जाहिर है जो सॉफ्टवेयर टर्मिनल पे बनते थे उसकी लैंग्वेजेस अलग हुआ करती थी। अब ये जो नया किस्म का आ गया ना कंप्यूटर, तो इसके अंदर इंटरनेट को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसको हम ब्राउज़र कहते हैं, आज गूगल क्रोम और फायरफॉक्स की शक्ल में हमारे सामने, उस वक्त वो नेटस्केप नेविगेटर एक हुआ करता था 80s में। तो वो नेटस्केप नेविगेटर बना। अच्छा, अब उसके ऊपर इंटरनेट कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, इसमें तो लिखने के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, फ़ोटो भी आ सकती है। तो इसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई जिसको हम आज HTML के नाम से जानते हैं, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, कि अब HTML में ना हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और वो उस पर नज़र आया करेगा। जब भी मैं किसी का फ़ोन नंबर लिखूंगा 192.168 करके जो IP एड्रेस है, जब मैं लिखूंगा तो उसका एक पेज सामने आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, उस पेज पे जो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, अच्छा टर्मिनल भी चल रहा है बैकग्राउंड, मतलब जिसके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, GUI नहीं है, तो वो टर्मिनल पे चला रहा है। जाहिर है वो जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो एकदम नहीं आती, कुछ लोगों के पास आती है, शुरू में महंगी भी होती है। तो शुरू में जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिन लोगों के पास आया तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना ये, अच्छा उस वक्त कंप्यूटर आम लोग यूज़ करते भी नहीं थे, आम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर में, इवन दो कि आम लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल तरीन चीज़ हुआ करती थी कि यार ये क्या बकवास है, है ना। मिसाल के तौर पर अभी आप में से कोई, अगर तो कोई फील्ड का है तो वो बात अलग है, लेकिन किसी का ये शौक़ है कि मैं लेथ मशीन घर पर लगा लूँ, अपने घर के नट बोल्ट ख़राब होंगे उसी से बना लिया करूँगा, सोचता है कोई? कोई भी नहीं सोचता ना। या कोई ये सोचता है कि यार मैं घर पे एक काम करता हूँ, वो जो प्रिंटर होता है प्रिंटर मैं घर पे रख लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे शायद जिनको प्रिंटिंग व्रिंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आम तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं जो, या घर हाउस होल्ड वाले बंदे हैं जो 9 to 5 नॉर्मल जॉब करते हैं, घर आते हैं, तो वो प्रिंटर वगैरह नहीं उनको ज़रूरत होती। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी अगर आप सोचें ना, तो वो सिर्फ साइंटिस्ट लोगों के लिए होती है, वो आम लोगों का कोई काम नहीं है उससे, है ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी उस ज़माने में, इवन दो कि वो ग्राफिकल आ गया था, ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर, मगर वो आम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। वो तो अभी मामलात कुछ और है ना, अभी तो वो फेसबुक टिकटॉक है, तो आम लोग कहते हैं अच्छा यार चलो स्मार्टफोन रखते हैं तो ये चीज़ें हम, व्हाट्सएप के काम आएगा वो, उस वक्त तो ऐसा कुछ था नहीं,
तो कोई इंटरेस्ट आम लोगों का उस वक्त नहीं था इसमें, सिर्फ साइंटिस्ट लोग इसको यूज़ करते थे। अच्छा, मगर फिर क्या हुआ कि जैसे ही ये ब्राउज़र बना और वेबसाइट बनना शुरू हुई पहली दफ़ा, तो इसका इंटरेस्ट आम लोगों में डेवलप होना शुरू हो गया और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये पिच करना शुरू कर दिया आइडिया बिजनेसमैन्स को, उस वक्त ज़माने के जो बिजनेसेस थे। अच्छा, तो उनको ये बोला कि यार आप जो ये पर्चा बनाते हो ना पंफलेट, अब ये पर्चा आप बनाओ इधर, पर्चा भी रहेगा वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हर किसी के पास तो है नहीं कंप्यूटर, लेकिन जिन लोगों के पास कंप्यूटर है जो एलीट क्लास है उसको टारगेट करने के लिए आप क्या करो, ये पर्चे की वाली जो चीज़ है ना वो इधर लिखो। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी कोई टाइप करेगा आपका दुकान का नंबर आईपी एड्रेस, तो फिर वो अब उसको ये पेज दिख जाएगा और करंट वाला दिख जाएगा, पुराना वाला नहीं, वो अब जब चाहे आप उसको अपडेट कर दें, जब वो खोलेगा तो वो नया वाला दिखेगा, पुराना वाला नहीं दिखेगा, है ना। अच्छा, तो उनको ये आइडिया बड़ा पसंद आया कि यार ये तो क्या ज़बरदस्त काम हो गया। तो जितने भी बड़े बिजनेसेस थे ना वो सारे मूव हो गए वेबसाइट पर। अच्छा, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये फिर आम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना कि अच्छा यार, आम लोगों ने कहा अच्छा यार ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, अच्छा हम वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं कंप्यूटर होता है। तो फिर लोगों में वो सॉफ्टवेयर्स बनना शुरू हो गया, तो लोगों में फिर वो सॉफ्टवेयर सीखने का रुझान बढ़ा, तो इस तरह कंप्यूटर फिर आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अगर ये इंटरनेट नहीं आता तो शायद कंप्यूटर आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, हमारे पास इंटरनेट बहुत लेट आया, बहुत देर में आया, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में जो जहाँ पे ये चीज़ें इन्वेंट हो रही थी, जहाँ पे ये बन रहा था। ठीक है, यहाँ का अगर आप डेमोग्राफिक देखें तो ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे डेमोग्राफिक्स में, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट बड़ी देर में आया। वेल, अच्छा तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने ना ये बनाया हुआ भी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार ये जो फ़ोन नंबर के तरह की चीज़ है ना आईपी एड्रेस, ये तो बड़ा मुश्किल है याद रखना, है ना। फ़ोन नंबर मिसाल के तौर पे अभी भी इवन दो 2023 में भी जो फ़ोन नंबर है उसको याद रखना एक मुश्किल टास्क है, लोग याद नहीं रख पाते। यही वजह है कि जैसे आप एप्पल का वो कस्टमर सपोर्ट नंबर देखेंगे ना, तो उन्होंने कुछ सम इस तरह का रखा हुआ है कि 800 APLCARE ऐसे करके रखा हुआ है, कि वो ए पे जो 2 आता है और पी 9 पे आता है, तो 29 और ऐसे करके वो APLE और CARE केयर, तो एप्पल केयर उन्होंने ऐसे रखा है कि लोगों को ना नंबर्स याद ना करने पड़े, उसको अल्फ़ाबेट्स याद करने पड़े लोगों को। तो उस ज़माने में भी लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि यार ये जो आईपी एड्रेस है ना ये बड़ा मुश्किल है याद रखना, तो इसका कोई दूसरा हल होना चाहिए। तो फिर एक तरह के बना दिए गए सर्वर्स, जिसको हम कहते हैं DNS। अच्छा, DNS क्या होता है कि एक जब जो आईपी होती है उसके अगेंस्ट एक अल्फ़ाबेट दे दिया जाता है, जैसा कि facebook.com जो है वो क्या है, एक इसको कहते हैं डोमेन, ये टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ मैं आपको, डोमेन कहते हैं उसको। तो अब DNS में क्या है कि आपने जब कंप्यूटर से हम टाइप करते हैं facebook.com या google.com, तो वो रिक्वेस्ट उठ के सीधा जाती है DNS सर्वर पर। अब DNS सर्वर पर जब वो जाती है रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह की एक शक्ल है कि हर नाम के आगे उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो google.com के आगे जो भी फ़ोन नंबर होता है ना वो वहाँ से ऑनवर्ड आगे चल जाता है। अच्छा, हमें वो दिखता नहीं है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, हमें वो google.com ही दिखाता रहता है, ठीक है, लेकिन असल में पीछे आज भी वो आईपी एड्रेस है। ये जितने भी हम वेबसाइट विज़िट करते हैं असल में ये सब आईपी एड्रेस है। अच्छा, इसको आप देख भी सकते हैं, वो टूल्स मौजूद हैं, आप हु इज़ लिखेंगे ना तो वो आ जाता है, ठीक है। या मैं अगर ऐसे ही लिख दूँ कि वॉट इज़ आईपी एड्रेस ऑफ google.com, तो ये आ जाता है। अच्छा, ये आईपी एड्रेस है 4x8, लगा के देखते हैं। गूगल DNS नहीं, तो DNS बता रहा है, ये DNS बता रहा है। कैसे पता करते हैं, वेल ये मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, वैसे तो ये कभी भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि पिंग google.com, ये आ गई आईपी, ये आईपी है। अच्छा, इसको ज़रा टाइप करके देखते हैं यहाँ पे कि गूगल खुलता है या कुछ और खुलता है। गूगल खुल गया, सही है। इसी तरह मैं फेसबुक की यहाँ पे लिखूँगा ना आईपी, मैंने कहा पिंग। अच्छा, ये पिंग की जो कमांड है ना टर्मिनल की, ये असल में ये होता है कि हम चेक करते हैं कि वो कंप्यूटर जाग रहा है कि सो रहा है,
है ना, क्योंकि आप उस टाइम का वो याद करें कि एक मेरे पास कंप्यूटर है, एक दो गली आगे मेरा दोस्त रहता है उसके पास कंप्यूटर है, टर्मिनल पे मैंने उससे बात करनी है, तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा वो ऑनलाइन है या नहीं है। तो मैं करता था पिंग और उसका आईपी एड्रेस, कि इस पर पिंग भेज के देखता हूँ कि रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब वो बंदा ऑनलाइन है। अभी आजकल तो ऑनलाइन लिखा हुआ जाता है ना, आसान है, तो पहले ऐसे होता था। तो इनका आईपी एड्रेस जो है वो ये आ रहा है facebook.com वालों का, इसको लगा के देखते हैं कि फेसबुक खुल रहा है इससे या नहीं खुल रहा। अच्छा, ये फेसबुक वालों ने ना कुछ वो लगाया हुआ है, हाँ खुला तो फेसबुक ही है, कुछ वो लगाया हुआ है रिस्ट्रिक्शन, कि वो एक बार वार्निंग देता है कि यार ये क्या करने जा रहे हो। हाँ, तो ये किसी भी वेबसाइट का आप इस तरह लिखेंगे ना पिंग, ये कमांड चल जाती है, विंडोज़ में भी चल जाती है और लिनक्स मैक में तीनों में चल जाती है पिंग वाली कमांड। तो ये करेंगे आप तो आपको आईपी एड्रेस उसका नज़र आ जाएगा, आप उसको उस आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट कोई डोमेन का नाम हम लिखते हैं तो रिक्वेस्ट उठ के जाती है डीएनएस सर्वर में, ठीक है। अच्छा, और डीएनएस सर्वर से फिर वो नाम तलाश करके और फिर आगे जाती है। अच्छा, अगर डीएनएस सर्वर में उसको वो नाम नहीं मिला तो क्या करेगा वो किसी दूसरे डीएनएस सर्वर का देखिएगा, क्योंकि हर डीएनएस सर्वर ना मल्टीपल बनाए हुए हैं। जैसे हमारे पास जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एक उसके ऑफिस में एक डीएनएस होता है, यहाँ से रिक्वेस्ट निकल के वहाँ जाती है उसके डीएनएस में, वहाँ नहीं मिला तो आगे की कोई और करीबी डीएनएस का कोई सर्वर तलाश करेगी। एक गूगल ने अपना भी बनाया हुआ है, वो जो अभी हमने गूगल किया था ना, तो वो लिखा हुआ था कि 8844 जो है वो गूगल का डीएनएस है। तो मिसाल के तौर पर मैंने अपने लैपटॉप में डीएनएस गूगल का लगाया हुआ है और क्लाउड फ्लेयर का लगाया हुआ है, वो चेंज कर सकते हैं अपना, यानी मैं जब कोई लिखूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्ट गूगल के डीएनएस पे जाएगी, ठीक है। तो वो चेंज भी कर सकते हैं आप, अगर आपको पता है कोई अच्छा डीएनएस सर्वर। आमतौर पर वो क्योंकि पहले से प्री कन्फिगर्ड होता है तमाम फ़ोनों में, जैसे एंड्रॉयड का जो फ़ोन है उसमें बाई डिफ़ॉल्ट गूगल का लगा हुआ होता है डीएनएस पहले से ही, वो और कहीं जाएगा ही नहीं, गूगल के डीएनएस पे जाता है सीधा। ये जो मैक वाला है इसके अंदर कुछ लगा हुआ नहीं होता बाई डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। अच्छा, तो अब वो यहाँ से रिक्वेस्ट निकली, वो डीएनएस पे गई और डीएनएस से आगे फिर गई सर्वर पे। अच्छा, अब ये जो आईपी मैंने लिखा था, ये कंप्यूटर कहाँ मौजूद है, ये भी एक समझने की बात है। अच्छा, ये जो मैंने आईपी लिखा था facebook.com, ये एक सर्वर की आईपी है, एक सर्वर का एड्रेस है, ये मेरे दोस्त का कंप्यूटर नहीं है जो दो गली आगे रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे दोस्त का भी कंप्यूटर होता ना तो उसको भी मैं सर्वर कहता, ठीक है। सर्वर, हम एक ख़ास तरह का कंप्यूटर होता है उसको हम सर्वर कहते हैं। अच्छा, वो ख़ासियत क्या होती है, वो ख़ासियत ये होती है कि मतलब एक आम कंप्यूटर और एक सर्वर कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। सर्वर कंप्यूटर में डिफरेंस और आम में ये है कि सर्वर कंप्यूटर ना आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है, आप अगर कोई सवाल पूछें तो आपको जवाब देता है, इस तरह के कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, किसी भी कंप्यूटर को सर्वर बनाया जा सकता है, क्योंकि सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें इंस्टॉल हो जाए तो वो सर्वर बन जाता है। जब तक वो जो ये नॉर्मल विंडोज़ इंस्टॉल है तो वो पर्सनल कंप्यूटर है। अच्छा, वो जो ख़ास तरह का सॉफ्टवेयर होता है सर्वर का, वो इंस्टॉल हो जाए तो फिर वो सर्वर बन जाता है, ठीक है। ये हम सारा कुछ यहाँ पे करके देखेंगे, हम सर्वर बना के भी देखेंगे, सर्वर को हम अपलोड करके भी देखेंगे। अच्छा, तो मेरे जो दोस्त रहता है ना दो गली आगे, उसके घर पे जो कंप्यूटर लगा हुआ है और उसको मैं पिंग करता हूँ, उससे मैं टर्मिनल पे बात करता हूँ, तो उसका जो कंप्यूटर है वो एज अ सर्वर बिहेव कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। और मेरा कंप्यूटर भी क्योंकि जवाब दे रहा है तो मेरा कंप्यूटर भी एज अ सर्वर बिहेव कर रहा है। अच्छा, लेकिन अभी मामलात अलग हैं। अभी मामलात ये हैं कि एक कंप्यूटर होता है जो कहीं क्लाउड में रखा हुआ होता है, जैसे facebook.com का जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर टाइप का कंप्यूटर है, एक पर्सनल होता है एक सर्वर होता है, तो वो सर्वर टाइप का है, क्योंकि मैं उसको facebook.com बोलता हूँ तो वहाँ से एक पूरी वेबसाइट उठकर आती है, मुझे जवाब देता है वो। अच्छा, क्लाउड क्या चीज़ है, आप में से कोई भी अगर ओपिनियन, क्योंकि मैंने कहा वो सर्वर कहीं क्लाउड में है, क्लाउड है, लैन स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज है, ऑनलाइन है कहीं, मतलब सही, बिल्कुल सही बताया। और किसी का कोई ओपिनियन, असल में मैं चाहता हूँ क्लास थोड़ी सी टू वे हो, आप लोगों से भी थोड़ी राय लेता रहूँ मैं, क्योंकि वन वे में ना फिर मज़ा नहीं आता, क्लास हमेशा टू वे होनी चाहिए। बिल्कुल सही, इंटरनेट के थ्रू। और जी, कोई और बताना चाहे आप में से, क्लाउड अक्सर नाम सुनते रहते होंगे हम, क्लाउड कंप्यूटिंग करके, या गूगल क्लाउड भी शायद नाम सुना हो, तो क्लाउड सुन के जहन में क्या आता है कि शायद कहीं बादलों में होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाउड एक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, असल में इसका मतलब वो बादल वाला क्लाउड नहीं है। अच्छा, मगर वो एक
महावरतन है कि यार वो कहीं क्लाउड में पड़ा हुआ है, आपके घर पे नहीं है, कहीं से हवा से आती है चीज़ है ना। इंटरनेट पे जब हम गूगल ड्राइव पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो हमें ये तो यही लगता है ना कि हवा में कहीं चली गई है ये, और फिर जब वापस डाउनलोड करते हैं तो लगता है कि हवा से कहीं से आ गई है। हमारे पास तो कहीं नहीं रखी हुई वो फाइल, ना कि मेरे पास कोई USB पड़ी हुई है ना कुछ है, वो चली गई वो, और सेफ भी है वहाँ पे। तो वो एक महावरतन उसको कहते हैं क्लाउड में, कि हवा में कहीं। लेकिन असल में जो क्लाउड होता है या जो सर्वर होता है, वो फेसबुक की अगर हम बात करें तो उनका एक डेटा सेंटर है, किसी एक खास जगह पे बना हुआ है डेटा सेंटर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना फेसबुक डेटा सेंटर, ये देख रहे हैं अभी एक ओपन फील्ड में ना इतना बड़ा ये बिल्डिंग बनी हुई है और अंदर से भी उसकी फ़ोटो दिख रही है ये। तो उन्होंने किसी फिजिकल लोकेशन पे ना कहीं पे दो तीन अलग अलग जगहों पे अपने डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। ये देखो अंदर से दिखने में ये ऐसा दिखता है, ये सारी अलमारियाँ पड़ी हुई हैं और इस अलमारी में ये एक रैक जो है दिस इज़ अ कंप्यूटर। अच्छा, इनका कंप्यूटर वो हमारे तरह का नहीं होता कि पूरा बॉक्स नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे एक ट्रे की तरह होता है, ओपन कंप्यूटर्स होते हैं, उसको ट्रे में यूँ लगा देते हैं क्योंकि वो बीच में कोई ख़राब वराब भी होता है ना तो ईजिली उसको निकाल के रिप्लेस करना हो सारा। तो ये एक स्पेशल किस्म के इन्होंने बनाए होते हैं अपने पास, जो मतलब बड़ा सारा CPU और बड़े सारे उसमें रैम की, जैसे हमारे पास तो रैम की स्लॉट एक या दो होती है, इनके पास 6-6, 7-7 रैम की स्लॉट होती है, प्रोसेसर 3-4 होता है उस पर। तो वो ऑर्डर देके ना डेल से HP से ऑर्डर देके वो बनवाते हैं अपने लिए, ठीक है। वो अब इसलिए बनवाते हैं उनके लिए कन्वीनियंस है, वरना चाहे तो ये नॉर्मल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह के कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ के ना एक सिंगल कंप्यूटर बना के और इसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे देते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लाउड, ठीक है। अच्छा, इन जनरल कोई भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्लाउड से कनेक्ट है, ठीक है। तो इनका जो ये है वो कहीं दो तीन लोकेशन पे, अभी मैं इसको लोकेशन लिखूंगा तो आ जाएगा। ये किसी ने सवाल पूछा हुआ है कि वेयर इट इज़ लोकेटेड, इन यूनाइटेड स्टेट, यूरोप एंड सिंगापुर, तीन जगहों पे मौजूद है इनका सर्वर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यूरोप एंड सिंगापुर, तीन जगहों पे ये लोग कह रहे हैं कि है इनका सर्वर। अच्छा, तो अब ये एक ओवरव्यू हो गया कि कहीं पे उन्होंने बड़ा सारा कंप्यूटर लगाया हुआ है और इंटरनेट की तार के ज़रिए ना मैं उससे बात कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्शन बनता है जिसका, तो उसको एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है। तो उनका IP एड्रेस हमने भी देखा, IP एड्रेस से एक्सेस भी किया, इसका मतलब है कि वो एक कंप्यूटर है, बड़ा हो छोटा हो इट डजंट मैटर, कंप्यूटर कंप्यूटर होता है। अच्छा, मैं उससे बात करता हूँ, मुझे जवाब देता है, इसका मतलब है वो सर्वर है। अच्छा, और इस तरह का जो कंप्यूटर होता है ना जिसको ओवर द इंटरनेट आप एक्सेस कर सकें, उसको हम क्लाउड कहते हैं। महावरतन क्लाउड की एक टर्मिनोलॉजी बन गई है, वो हम कहते हैं। अच्छा, तो ये एक बात ये हो गई। अब ज़रा हम ये बात कर लेते हैं कि ये जब मैं facebook.com लिखता हूँ तो वहाँ से जो चीज़ उठ के आती है ना, ये क्या चीज़ है? एक है तो एक वेबसाइट कहने को, और बनती है HTML से, मगर ये HTML क्या बना है और इससे वेबसाइट बन कैसे जाती है? अच्छा, तो अब सारी कहानी ना नाम में छुपी हुई होती है, तो हम नाम पे गौर करेंगे ना, HTML, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, तो हाइपर टेक्स्ट को हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, मार्कअप लैंग्वेज पे गौर करते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, या लैंग्वेज को भी हटा देते हैं अभी, सिर्फ मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा, मैं ऐसे जो ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल करता हूँ, या आप गूगल करके भी जवाब दे सकते हैं, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो पहले से, आप जल्दी से सर्च करके जवाब दे सकते हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज, किसी को कोई आइडिया है कि अंग्रेज़ी में मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं? सिर्फ मार्कअप, लैंग्वेज भी छोड़ दें अभी, अंग्रेज़ी में सिर्फ मार्कअप जो है वो क्या लगता है आपको कि किस चीज़ को कहते होंगे? जोड़ना किसी चीज़ को, उसको हम मार्कअप कह सकते हैं, ठीक है। मार्कअप यानी MARK और UP अप वाला मार्कअप, किसी को लिंक करना या जोड़ना किसी को, या आप कह रहे हैं कि इसको मार्कअप कह सकते हैं जी। और कोई किसी चीज़ की निशानदेही करने को हम मार्कअप कह सकते हैं कि भाई मार्क कर दिया हमने जी। और किसी का कोई ओपिनियन इस बारे में? अच्छा, तो मैं समझाता हूँ आपके मार्कअप का क्या चक्कर है। हम सब लोगों ने मार्कर यूज़ किया है,
है ना, तो वो मार्कर उसका नाम इसीलिए क्योंकि वो मार्कअप लगाने के काम आता है। अच्छा, तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो हम जो जर्नल बनाते हैं, मैट्रिक वैट्रिक में शायद बनाया हो आप लोगों ने, ठीक है, तो वो जो जर्नल बनाते हैं या कोई भी हम कॉपी में जो भी कुछ नोट्स लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, या मिसाल के तौर पर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कोई नॉवल पढ़ रहा हूँ या कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ, अब उसको पढ़ते पढ़ते ना मैंने बीच में कुछ मुश्किल वर्ड पे ऐसे अंडरलाइन कर दिया उसको, या हाइलाइटर लेके उसको हाईलाइट कर दिया, या मार्कर से उस पर टिक लगा दिया, या कुछ कुछ भी कर दिया इस तरह का, तो इसको हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मार्कअप। अच्छा, या अगर मैं कोई एक तो लिखे हुए पे अंडरलाइन वगैरह कर दिया तो वो भी मार्कअप है, बट अगर मैं फ्रॉम स्क्रैच लिख रहा हूँ यानी जर्नल बना रहा हूँ, अब उसमें मैंने ब्लू कलर के मार्कर से मैंने अच्छी सी हेडिंग लगा दी, उसको नीचे मैंने मोटा सा अंडरलाइन कर दिया, या मैंने बुलेट पॉइंट्स में गोल गोल मार्कअप मार्कर से बना के ना और फिर उसके आगे बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मार्कअप कहलाती हैं। अच्छा, तो इसी का जो डिजिटल वर्जन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप में से कुछ लोगों ने शायद यूज़ किया हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है कि आप कोई भी बात लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसको आप सेलेक्ट करते हैं, उसको आप बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं उसका, है जस्ट लाइक दैट, तो वो उसका डिजिटल वर्जन है मार्कअप का। ठीक है, उसको वैसे तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, एमएस वर्ड को, लेकिन वो मार्कअप वाला सारा काम उसमें हो रहा होता है और उसके अलावा इजाफी भी बहुत चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आप अगर बिल्कुल गौर से सोचें तो वो जो आज से पहले ज़माने में जो पम्फलेट छपते थे, तो वो पम्फलेट जो दुकान वाले ने छापा हुआ है, या बिज़नेस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, उसने एक पम्फलेट छापा हुआ है जो लोगों को बांट रहा है, तो उस पम्फलेट में उसने क्या लिखा हुआ है, मार्कअप लिखा हुआ है सारा, है ना, उसमें एक हेडिंग होगी, उसमें शायद बोल्ड किया हुआ, उसको अंडरलाइन होगा, फिर उसके प्रोडक्ट की एक फ़ोटो बनी हुई होगी, उसके नीचे कुछ बात कैप्शन लिखा हुआ होगा, उसके साथ कोई शायद बुलेट पॉइंट्स होंगे मे बी, तो वो सारा मार्कअप है असल में तो। अच्छा, उस ज़माने में वो जो प्रिंटिंग प्रेस तो जब आए थे तो उस वक्त तो हाथ से ही लिखा जाता था ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो हाथ से लिखे हुए मार्कअप होते थे। अगर आप बहुत पुराना कोई पम्फलेट देखेंगे ना तो यानी आप उसमें आप नोट करेंगे कि वो हाथ से लिखा हुआ होता है, मे बी आपको मैं शायद दिखा पाऊँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ओल्ड एयरलाइन हैंड आउट, तो आप देखेंगे कि इन्होंने हाथ से लिखा हुआ होता था सारा कुछ ना, ये सही दिख नहीं पा रहा है यहाँ पे, इसको मैं नए टैब में ओपन करने की कोशिश, बहुत छोटे साइज़ में यार ये बहुत छोटे साइज़ में, ये इस तरह का जो ये देख रहे हैं आप, एक पम्फलेट छपा हुआ है ये अमेरिकन एयरलाइन, तो ये हाथ का बना हुआ होता था। प्रिंटिंग प्रेस में जब शुरू शुरू में प्रिंटिंग प्रेस आए थे तो वो होता क्या था कि हाथ से लिख के ना एक रबर स्टैम्प टाइप की एक चीज़ बना लेते थे, वो हाथ से बनता था, और फिर क्या करते थे उसको पर्चे पे ऐसे छापते जाते थे, और दो तीन कलर के दो तीन अलग अलग स्टैम्प होते थे। अब इसमें आप देखें वो दो तीन ही सॉलिड कलर हैं, एक रेड कलर है, एक ये इसका कोड जो है ब्लू है थोड़ा, और एक पर्पल और एक ग्रीन है, तीन या चार कलर में होता था, इससे ज़्यादा कलर इसमें कर नहीं सकते। और ये करते ऐसे थे कि एक स्टैम्प बनाते थे जिसमें सिर्फ वो रेड वाला कलर का होता था, तो जब कागज़ पे लगाते थे ना तो सिर्फ रेड वाला छप जाता था, मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ रेड है ना वो छप जाएगा, बाकी ब्लैंक। अब वो दूसरा स्टैम्प है उस पर सिर्फ ब्लू है, उसको लगाते थे तो वो सिर्फ ब्लू वाली जगह छप जाती थी, तो चारों स्टैम्प पे जब चमकता था ना तो अल्टीमेटली इस तरह का कुछ रिजल्ट आ जाता था। तो ये मार्कअप होता था सारा, जो प्रिंटिंग प्रेस जो बने थे ना पहले ज़माने में, एक तो होता था सिंगल कलर, सिंगल कलर में तो ब्लैक में ही सब कुछ है तो वो एक ही दफ़ा छपता था बन जाता था, लेकिन जो मल्टी कलर होते थे वो मल्टीपल टाइम्स चलते थे, और ये बहुत रीसेंट तक ये होता रहा है, अभी भी हो रहा है ना, अभी भी ये रीसेंट बहुत रीसेंटली होता रहा है ये, क्योंकि हमारे अब्बा हैं उनका भी छोटा सा बिजनेस है, तो मैं जब छोटा सा था ना तो अपने अब्बा के साथ जाता था बोतल गली या सिटी कोर्ट के सामने वाले जो एरिया है, तो वहाँ पीछे ना पेपर मार्केट है, वहाँ पे सारी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होता था, तो वो बोतलों पे चिपकाने के लिए ना लेबल बनवाते थे वहाँ, तो अगर वो दो तीन कलर का लेबल होता था तो उसका अलग अलग प्लेट्स बनती थी, और मैंने वो बाकायदा देखा है होता हुआ कि वो एक पेपर को ना यूँ सीधा करके एक प्रेस में लगाता था, फिर वही दूसरे प्रेस में लगाता था, एक बार चला के ना फिर दूसरे में लगाता था, तो दूसरा कलर दूसरे पे चलता था, तो वो दो तीन मशीनें होती हैं वो बारी बारी वो ना चेंज कर करके वो चला रहे होते हैं कि एक पे कुछ और लगा दिया दूसरे पे कुछ और लगा दिया, तो उसको वो एक दफ़ा अलाइन करके ना तीन चार वो ज़ाया भी होते हैं, अब एक दफ़ा वो अलाइन हो जाता है ना अच्छे से और सही निकलने लगता है तो फिर उसको वो स्पीड में चला देते हैं, फिर वो चलता है। हमारे जो अखबार छपते हैं जितने भी वो मल्टीपल टाइम्स छपते हैं ज़ाहिर है, तो वो अखबार की मशीन में ना एक ही मशीन होती है
उसमें एक प्लेट इधर होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है, तो रोल करके ना वो ऐसे आगे बढ़ता जाता है और एक एक रोलर एक एक चीज़ छापता जाता है और आखिर में पूरा तैयार होकर निकलता है वो। तो हमारे अखबार अभी भी इसी तरह से छपता है, लेकिन अब वो क्या होता है कि वो जो खाका जो बनता है ना छापने के लिए, अब वो डिजिटली तैयार होता है ना। वो अखबार के अंदर जो लिखा हुआ है वो हाथ से नहीं लिखा हुआ होता, वो डिजिटली तैयार होता है, उसकी अलग मशीनें होती हैं, तो वो एक बार तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसे छापते रहते हैं, उसके बाद उसको ज़ाया कर देते हैं। वो लोहे की एक प्लेट होती है, जैसे वो टीन की छत होती है ना जिस तरह की, उस तरह के लोहे का एक चतरा होता है, उस पर वो लेज़र के ज़रिए ना उसको वो तैयार करते हैं, और वो तैयार होकर वो एक दिन अखबार छपता है, उसके बाद वो ज़ाया कर देते हैं उसको, ठीक है। वो 1,000, 2,000 या 5,000 प्रिंट निकालने के बाद वो ख़त्म हो जाता है वो वाला। अच्छा, और बल्कि अब तो जो प्रिंटिंग है वो बहुत और जदीद हो गई है, लेज़र प्रिंटिंग आ गई है अब तो। अब तो वो कुछ भी नहीं डालना होता उसमें, बस वो पेपर नीचे आता है, उस पर वो रोशनी पड़ती है और वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब तो और जदीद आ गया, लेकिन ये मैं प्रिंटिंग प्रेस की हद तक की बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट मेरा ये था कि जो प्रिंटिंग प्रेस में ये जो भी चीज़ें हो रही थी ये वाली, वो सारी असल में क्या थी, वो मार्कअप होता सारा, कि भाई कोई हेडिंग लगा दी, कोई अंडरलाइन लगा दिया, कुछ लगा दिया। अब इसी मार्कअप को इसका डिजिटल वर्जन बनाना है, तो उसके लिए बनाया गया मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक नाम पड़ चुका था ऑलरेडी, कि प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज होगी, तो कंप्यूटर को अगर कोई भी बात आपने समझानी है, कंप्यूटर को कोई भी काम करवाना है उससे, तो उसको जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे ना कंप्यूटर को, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, तो वो लैंग्वेज होती है एक सर्टन, कि कंप्यूटर से बात करने की लैंग्वेज है। अच्छा, तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि यही वाली चीज़ जो हम खुद करते हैं हाथ से, ये कंप्यूटर कैसे करेगा। अच्छा, तो मार्कअप लैंग्वेज इस तरह से बन गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ना एक छोटा सा बना भी लेते हैं मार्कअप। अच्छा, ये कैसे बनेगा, आ जाते हैं डेस्कटॉप पे और ये क्लास पे और ASFA। अच्छा, ये लास्ट हमने टेक्स्ट फाइल बनाई थी, है ना। अच्छा, अब एक बना लेते हैं हम index.html, ठीक है। ये फाइल के नाम के आखिर में मैंने ना HTML रखा है, ठीक है। अच्छा, अभी नोट ना करें, मैं टाइम दे दूंगा नोट करने का, तो वो आराम से कर लीजिएगा। अच्छा, index.html, लास्ट में जो HTML लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को ये समझेगा कंप्यूटर कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है, और इसको अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर के साथ खोलेगा। अगर ये मैं डॉट आखिर का ना भी लगाऊँ ना, तो इट इज़ परफेक्टली फाइन, डॉक्यूमेंट ये फिर भी रहेगा। बट वो क्या होगा कि जब भी आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे ना, कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, वो कहेगा ओपन विथ और नीचे सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट बना देगा, है ना। तो इसलिए लास्ट में .html हम इसके लगाते हैं, ठीक है। इसका नाम अभी मैंने इंडेक्स रखा है, लेकिन इसका नाम आप कोई और भी रख सकते हैं। वेल, इंडेक्स क्यों रखा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने एक फ़ाइल बना दी। ये फाइल बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कुछ मार्कअप्स लिखने जा रहा हूँ, है ना। जो मार्कअप लैंग्वेज का जो जिक्र हुआ था थोड़ी देर पहले, कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, तो ये मार्कअप लैंग्वेज का जिक्र करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने लिखा है इसमें हेलो, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इसमें मैंने लिखा हेलो। अच्छा, और इसको मैं क्या करूँगा, जब मैं जाऊँगा ना फाइंडर में, या विंडोज़ के केस में फाइल एक्सप्लोरर में, तो आप देख रहे हैं ये index.html पे ऑलरेडी बना हुआ रहा है गूगल क्रोम का लोगो, क्योंकि मेरे कंप्यूटर को ये बात समझ आ रही है क्या देख के, HTML देख के, कि ये क्या है, एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट का डॉक्यूमेंट है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट है। तो जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली देखें ये गूगल क्रोम पे खुल गया। अच्छा, और ये हेलो ना यहाँ पे देखें लिखा हुआ गया, ये मैंने जूम इन किया है, वैसे तो छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जूम करके उसको बड़ा कर दिया, अब ये हेलो लिखा हुआ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने वापस नॉर्मल पे कर दिया, जूम इन करके आपको दिखाया, उसके बाद मैंने वापस इसको नॉर्मल कर दिया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेलो लिखा हुआ है, इसके नीचे ना एक अंडरलाइन बनवा दे, ये एक बड़ी सी हेडिंग की सूरत अख्तियार कर दे। अच्छा, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा H1 और इधर जाके मैं H1 क्लोज। अच्छा, तो मैंने क्या कह दिया, मैंने इस टेक्स्ट को ना रैप कर दिया, HTML के मार्कअप्स में रैप कर दिया, मैंने इस पर मार्कअप लगा दिया कि दिस इज़ अ हेडिंग। अच्छा, अगर पेपर पे होता तो मैं क्या करता, मैं लिखता ही बड़ा करके, ठीक है। बट कंप्यूटर में तो ये ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास कि मैं बड़ा करके लिखूँ, लिखने के बाद मैं बताऊँगा कि इसको दिखाना कैसे है, इसको बड़ा करके। तो मैंने ये मार्कअप, इसको ये पहला मार्कअप हमने आज सीख लिया,
H1। अच्छा, अब ये जैसे ही मार्कअप मैं लगाऊंगा तो अब ये देखते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, देखें हेडिंग बन जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैं पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, बुक से ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ कॉपी कर लिया। ठीक है जी, ठीक है, ए व्हेन विजिट अ वेबसाइट, और ऐसे करके ही मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लगा दिए। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें नीचे एक पैराग्राफ की तरह ये शो हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे कोई और भी बात लिखी हुई हो, यहाँ पे लिखा हुआ हो गया सम अदर हेडिंग लाइक दिस। अच्छा, मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे, अब जब तो ये सम अदर हेडिंग ना एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ रहा है, एक पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये भी क्या बन जाए, हेडिंग बन जाए H1। सही है, मैंने इसको भी रैप कर दिया H1 में। अच्छा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये भी हेडिंग की सूरत अख्तियार कर गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो हेडिंग बनी है ना, ये वाली अब की बार ये क्या हो कि इसके नीचे भी एक पैराग्राफ आ जाए। ठीक है, अच्छा, पैराग्राफ के लिए भी एक मार्कअप होता है जिसको हम कहते हैं P, ऐसे P करके मार्कअप होता है। ठीक है, बट अभी शायद आपको उसका फ़र्क समझ ना आया कि ये P से हुआ क्या है, ये हम सारा देखेंगे एक एक करके, इन सारे मार्कअप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं इसका। अच्छा, तो ये H1 हो गया और इसके नीचे ये P करके पैराग्राफ हो गया। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि बेटर दिखे आपको। अच्छा, तो ये एक हेडिंग, ये एक पैराग्राफ, ये दूसरी हेडिंग, ये दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब ये पैराग्राफ से असल में क्या हुआ था कि अगर मैं ऐसा ही एक पैराग्राफ ना यहाँ नीचे लगा देता हूँ, यहाँ पे नीचे लगाता हूँ, तो ये इस वाले से थोड़ा डिस्टेंस पे आया है ना ऑटोमेटिकली। अच्छा, बट यहाँ पे अगर मैं ये बात लगाता हूँ तो ये कहाँ पे आएगा, ये उसी के साथ आगे मिलकर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी कहता हूँ कि नहीं यार ये भी एक अलग पैराग्राफ है, मैंने कहा पी, तो मैंने ये एक मार्कअप लगा के ना पैराग्राफ्स को सेपरेट कर दिया। इसको, इस वाले टेक्स्ट को मैंने बाहर नहीं निकाला। ठीक है, ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है, चाहूँ तो मैं इसको भी मार्कअप, वेल तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अभी तक हमने कितने मार्कअप देख लिए, दो मार्कअप, एक हेडिंग एक पैराग्राफ, दो मार्कअप देख लिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पहली वाली हेडिंग है इसको मैं अंडरलाइन भी कर दूँ, तो इसके लिए एक मार्कअप है यू। सही है, मैंने कहा कि यू ऐसे करके, सही है, यू ओपन है और ये यू क्लोज है और दरमियान में वो हेडिंग मैंने रख दी है, तो इसका मतलब है कि इस पूरी की पूरी हेडिंग को ना, जो भी इस मार्कअप के दरमियान में, इसको पूरे को अंडरलाइन कर दो। आ जाते हैं जी, अंडरलाइन हो गया। सही है, इसके साथ में कि मैं ये भी लगा देता हूँ हेडिंग में, हेडिंग अच्छी लगती है इससे। सही है, अच्छा, और मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड भी हो जाए, तो मैंने कहा कि यार क्या हो जाए आपके, बोल्ड हो जाए, बी का टैग है जिससे बोल्ड हो जाता है। ठीक है जी, तो मैंने कह दिया कि भाई ये जो टेक्स्ट है इसको हेडिंग बना दो, है ना, तो H1 में रैप कर दिया इसको, फिर मैंने कहा अंडरलाइन कर दो तो U के मार्कअप से रैप कर दिया मैंने इसको, फिर B का मार्कअप लगा दिया इसके ऊपर तो इसको बोल्ड भी कर दो। अब देखते हैं बोल्ड ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब देखें ये बोल्ड भी हो गया, नीचे वाले की नस्बत ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है। ठीक है, असल में तो हेडिंग वैसे ही बोल्ड होती है, जब हेडिंग लगाते हैं तो वो ऑलरेडी बोल्ड हो जाता है, तो इसलिए ये फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड बल्कि काम नहीं करेगा क्योंकि हेडिंग पहले ही बोल्ड होती है। इसमें कोई हम और तीसरा लगाते हैं, कोई हम इसको इटैलिक लगा देते हैं। ठीक है, इटैलिक लगा देते हैं। ठीक है जी, आई कर दिया मैंने, इटैलिक हो गया ये। ठीक है, हेडिंग तो पहले ही बोल्ड होती है तो वो बोल्ड नहीं होगी। तो हमने जो है ना एक ओवरव्यू ले लिया कि अच्छा यार ये चक्कर चला था उस ज़माने में कि बिजनेसेस ने क्या किया, कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो जो मार्कअप से बनता था ना पंफलेट, उस सारे मार्कअप को इधर कन्वर्ट कर दिया, एक लैंग्वेज तैयार कर ली कि जिसके ज़रिए मैं कंप्यूटर को ये बता सकूं कि कौन से टेक्स्ट को कैसे दिखाना है,
क्योंकि जर्नल बनाते हुए तो यही होता है ना कि वैसे तो सारा टेक्स्ट है लेकिन किसी टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, किसी को अंडरलाइन कर दिया, किसी को हाईलाइट कर दिया, किसी को बुलेट पॉइंट्स में बना दिया, किसी को टेबल की जैसी शक्ल बना दी, वर्ड मीनिंग अगर लिखनी है तो टेबल जैसी शक्ल बना दी, तो वैसे करके दिखा दिया, है ना। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो यही होता है एक पंपलेट के अंदर भी, यही होता है एक जर्नल के अंदर भी, और यही सब चीज़ों को हम मार्कअप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जैसे हम क्या करते हैं कि भाई एक मैंने बात लिखी ऐसे ही हूँ और उसको सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट करके ऊपर जाके उसका कलर चेंज कर दिया या ऊपर जाके उसका बोल्ड कर दिया उसको, लेकिन इंटरनली ना वो हमें दिख नहीं रहा होता, वो इंटरनली वो क्या करता है जब हम बोल्ड करते हैं ना तो वो यही बी ऐसे लगा देता है उसके अंदर, ठीक है, ऐसे बी करके लगा देता है, वो इंटरनली होता हमें नहीं दिखता वो, ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मुझे बी दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, तो एमएस वर्ड में भी इंटरनली वो क्या करता है, वो ऐसे बी करके बोल्ड लगा देता है वो, लेकिन हमें नहीं दिखता, वो इंटरनली कर रहा होता है उसको। अच्छा, तो ये मार्कअप लैंग्वेज हमने अच्छी तरह समझ लिया। मार्कअप लैंग्वेज में किसी का कोई क्वेश्चन जो नोट करना चाहते हैं वो प्लीज़ नोट कर लें, अगर कोई चीज़ नोट करनी है आपने तो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अभी तक जो भी मैंने गुफ्तगू की है, जो भी बात बताई है उससे मुताल्लिक, जी जी पूछें, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये विजुअल स्टूडियो कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये अभी हम सारा करेंगे हम, नो प्रॉब्लम। VS कोड कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। जी प्यारे दोस्तों, किसी का कोई सवाल? जी अच्छा, ऐसे बोला जाता है कि जो सब यानी समझदार बंदा भी जो होता है ना, सबसे समझदार जो होता है क्लास का बंदा, तो वो क्लास की ना 70% चीज़ों को गेट करता है, तो जीनियस वाला जो बंदा होता है। अच्छा, तो सवाल सामने से नहीं आने का ना एक हो सकता है तरीका कि या तो सब चीज़ें समझ आ गई हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि कुछ भी समझ में ना आया। अच्छा, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सब समझ आ गया है। ये मैंने फाइल का नाम रखा है index.html, फाइल का नाम रखने की वजह से ये ऊपर दो दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है। जी दो, हाँ आप ये कह रहे हैं कि ये अंडरलाइन का मैं बाहर लगा दूं और इटैलिक का अंदर लगा दूं, हाँ ये कर सकते हैं, मगर फिर उसको क्लोज भी ना उसी सीक्वेंस में करना होता है। वेल, अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि जो अभी आगे चैप्टर नंबर 1 है ना स्ट्रक्चर का, उसमें ये हम डिटेल में समझेंगे। अभी हमने ये HTML का हेलो वर्ल्ड नहीं किया हमने, ये अभी हम मार्कअप को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये बताया, अभी HTML का हेलो वर्ल्ड हमने मजीद करना है, ठीक है। लेकिन ये कि जैसे इसको पहले अगर लगाया ना तो इसको सबसे लास्ट में क्लोज करना होगा, तो सीक्वेंस सेम हो इसका तो आगे पीछे कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट भी जो है ना सिमिलर आ रहा होगा। अच्छा जी दोस्तों, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? किसी का, हाँ करो करो, किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है जितनी बातें अभी हमने बताई हैं? अच्छा, अब हम आ जाते हैं बुक में ज़रा, कि बुक में ना ये क्या बता रहे हैं मज़ीद, और कहाँ गई बुक हमारी, ये